हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको वर्क से ही रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन के बारे में बताते हैं क्या होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा आपका, निगेटिव वर्क डन। और यहां पर आएगा एक और आएगा, जीरो वर्क डन। इस तीनों के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन, क्या होता है नेगेटिव वर्क डन और क्या होता है जीरो वर्क डन। चलिए बताते हैं। देखिए, तो वर्क का जो फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पिछला जो वर्क का मैंने जो आपको बताया था कि उसमें क्या बता रहे थे कि दोनों दम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वहां पर जो फार्मूला बना कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो बना था। चलिए ये, लेकिन ये तो कोई जरूरी है नहीं कि मतलब हम फोर्स जो होता है कि जो है आपका स्ट्रेट ही लगाएं, हो सकता है फोर्स हम किसी एंगल पे लगाएं। सपोज करिए कि ये आपका ट्राली बैग है, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, अब बताइए क्या होगा। अगर हम फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं तो आप देखिए कि इसका दो आपका वो बन सकता है कंपोनेंट जो है। तो अगर ये थीटा होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पर इस फोर्स को हम बोल सकते हैं क्या, अगर एफ वन मान ले तो क्या बोल सकते हैं, एफ कॉस थीटा। और इसको हम बोल सकते हैं कि एफ साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि एफ कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा कि ए पे जाके ये आवश्यक है, ये एक फोर्स है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये एफ है तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक आपका स्टेट बनेगा एक्स एक्सिस के, एक बनेगा वाई एक्सिस के। इसको हम अगर सपोज करें कि एफ वन है तो इसको मान लें कि एफ टू है। तो ये अगर थीटा आपका क्या मान लें थीटा है तो यहां पर ऐसे मिलाइए, तो यहां देखिए क्या हो गया, एक आपका राइट ट्रायंगल बना, क्या बना, राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर एक फार्मूला आप जानते होंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि एफ वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक, तो इस F1 को हमको निकालना है, यानी क्या होगा F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या आ गया, F cos थीटा। ये तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, F1 इक्वल टू क्या लिखा है, F cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस ट्राली को खींचने में किसका रोल ज्यादा है, इस कंपोनेंट्स का रोल ज्यादा है कि इसका रोल है, इसका रोल है, इस कंपोनेंट्स का रोल है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर हमको, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, तो अब बताइए कि यहां पर वर्क आप कैसे निकालेंगे, यहां पर वर्क कैसे निकलेगा बताइए। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। तो कौन सा फोर्स इस ट्राली बैग को आगे बढ़ने में, कौन सा फोर्स आपका एक्टिव है, तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। यही फॉर्मूला बना, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिए तो आप बोलते हैं कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका, ये आगे की सबके लिए है, आप चाहे सीधा धक्का दें या किसी भी एंगल पे धक्का दें, 45 डिग्री पे दें या 90 डिग्री पे दें या आपका 160 पे दें या
आपका 180 पे जाए, ये फार्मूला क्या होगा, सारे कंडीशन में अप्लाई होगा, ठीक। बस बस आ गया ना। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है जो है कि किसी गाड़ी को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब इसको हम खींच रहे हैं जो है, तो यहां पर ये जो F1 cos थीटा है, ये तो इसको सपोर्ट कर रहा आगे बढ़ने में, और ये देखो जो है, ये इसको अगर हम मान लो कि F2 मान ले, ये अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने पूछा कि खींचने की अपेक्षा धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों सरता है। चलिए हम धकेलते भी हैं भाई इसी को, इसी टाली बैग को, चलिए हम धकेलते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए, अब देखिए क्या होता है, इसका दो कंपोनेंट्स बनाइए, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। सपोज करो कि ये क्या है, F2 है या F1 है, ये सपोज करो कि F2 है, ठीक है। अब हमको बताइए कि इस ट्राली बैग को अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें कौन सा कंपोनेंट्स काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब देखिए, ये अगर थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, उसको धकेलने में सपोर्ट कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। कहा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, यानी क्या आप कह सकते हैं कि खींच धकेलने की अपेक्षा खींचना क्या है, आसान है। ये वाला फोर्स इसको हल्का कर दे रहा है, ये वाला फोर्स क्या इसको भारी कर दे रहा है। बस समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां से अभी आपका आ रहा था कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब ये होता है कि जब डब्ल्यू की जो वैल्यू क्या पॉजिटिव में आए तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। जैसे आप उसको धकेल रहे थे, इसके मतलब जिस दिशा में क्या मतलब, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां पे हुआ। अगर सपोज करिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तब इस कंडीशन में आपका वर्क जो होता है मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन में जो होता है कि जो थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ही जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, उस कंडीशन में आपका थीटा क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो डिग्री होता है। उस कंडीशन में वर्क सबसे मैक्सिमम होता है। उस समय क्या वर्क होगा, उस समय वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। यानी कि वर्क इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो तो उस कंडीशन में वर्क मैक्सिमम होगा। उस समय क्या होगा, फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम माना जाएगा, चलिए, और पॉजिटिव होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर सपोज करिए कि अगर आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, अब क्या होगा,
उस कंडीशन में आपका वर्क क्या होगा? उस कंडीशन में वर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन क्या हो रहा है, 90 हो जाएगा। उस समय यहां पर वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यानी क्या, जीरो। यानी वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब बताइए कि वर्क डन जीरो जो है दो कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, हमने धक्का दिया और डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। एक कंडीशन ये आपका बना कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो है क्या हो, एंगल कितना बने, 90 का बने, उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क जीरो होगा। अब चलिए कोई एग्जांपल तो बताइए कि 90 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री कैसे बनेगा। देखिए, सपोज करिए कि एक बैग है, एक बैग मैंने लिया हुआ है, ऐसे नीचे एक बैग लिया है, ठीक, और बैग को लेकर हम चल रहे हैं। तो अरे भाई, हम ये सपोज करिए कि ये खड़े हैं, अरे यार मेरा बैग है, बैग को हम ऊपर खींचे हुए हैं और इधर चल रहे हैं। बैग ले करके जो है क्या हुआ, एक बैग ऐसे ले करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो बैग को हम हाथ से पकड़े हैं ना, तो बैग पे फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और चल आगे रहे हैं, हम चल रहे हैं फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो यहां पर क्या देखे कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, यानी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, हो गया। अरे भैया, फिजिक्स की बात अगर हम लेबरों से करेंगे कि भैया हम अगर हम किसी आदमी को अपना बैग दे दें कि चलो भाई यहाँ से मतलब पहुंचा दो, और वो पहुंचा दिया, और पुली को हम पैसा ही न दें, कहेंगे हमारे फिजिक्स में लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा, तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, सॉरी, एक पॉइंट आगे बच रहा है, निगेटिव वर्क डन क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। निगेटिव वर्क डन से बताते हैं, चलिए सपोज करिए कि ये कोई सामान है और इस यहां पर दो बच्चे यहां पर खींच रहे हैं, और दो बच्चे यहां भी खींच रहे हैं इसको इसको, और दो बच्चे यहां भी खींच रहे हैं इसको, ठीक है। इधर F1 से खींच रहे हैं, इधर वाला F2 से खींच रहा है, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक ही सामान को जो है ये अपने तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है। सपोज करो कि ये आपका जो है ये 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, और ये दोनों बच्चे जो खींच रहे हैं आपका 6 न्यूटन से खींच रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, इधर होगी, होगी ना। अब बताइए, यहां पर वर्क डन अगर देखा जाए इन दोनों बच्चों के, अगर सिनारियों से देखिए, अगर इन दोनों बच्चों को अकॉर्डिंग से देखें तो वर्क डन आपका होगा, सपोज करिए कि ये आपका 2 मीटर हो, तो यहां पर वर्क डन जो दिखा रहा है, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा इन बच्चों के अकॉर्डिंग,
टेन इंटू टू यानी 20 जूल हुआ। अगर इन बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तब क्या होगा, इन बच्चों के अकॉर्डिंग अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तब क्या होगा बताइए, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स 6 हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलिए, अभी तो मैंने लिखा था यार 2 मीटर हुआ, चलिए इंटू कास 180 क्या हुआ, कास 180 डिग्री। ये देखिए ना ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बना, ये 180 का बन रहा है, हुआ तो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है आपका, 180 बन रहा है। अब यहां पर क्या होगा, वर्क का जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 6 × 12 इंटू कास 180 का वैल्यू होता है -1 होता है, यानी -12 जूल होगा। यही है निगेटिव वर्क डन, यही क्या है निगेटिव वर्क डन, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए दोनों अपोजिट हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि निगेटिव वर्क डन होगा। और थीटा क्या होगा उस कंडीशन में, थीटा क्या होगा उस कंडीशन में, थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में 180 डिग्री होगी। बात समझ में आ रहा है, मैंने तीन चीज बताया, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, मैंने तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी। अब हमको अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निगेटिव वर्क डन के लिए क्या कंडीशन होगा, क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। उस कंडीशन में आपका वर्क की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, क्लियर। जीरो वर्क डन कब होगा, एक कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, सपोज करिए भाई किसी तिजोरी को हम धक्का दिए और वो क्या हुआ, टस मस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। एक कंडीशन और बताए थे कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जब 90 डिग्री का एंगल बने उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी कि अगर हम बैग को ऐसे ऊपर की तरफ खींच करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या फोर्स मैंने ऊपर लगाया और मैं आपको क्या हुआ आपका फॉरवर्ड बढ़ा तो वो क्या नहीं, अरे भाई फोर्स मैंने ऊपर लगाया और मैं क्या हुआ फॉरवर्ड जो है आपका चला, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, इस कंडीशन में क्या होगा एंगल 90 डिग्री बनेगा, उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा जीरो होगा। सबसे ज्यादा वर्क डन कब होगा, मैंने बताया वही कि अगर जो है फोर्स और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में दोनों, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो है एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा वर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हमने तीनों चीज मैंने बता दिया कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, निगेटिव वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन क्या होगा, वर्क क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस में यूनिट क्या होता है, मैंने सब बता दिया। अब हमको ये पूरी आशा है कि वर्क का जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।